वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है स्वराज। एज यू नो, हम लोग मुजफ्फरनगर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक यूनिक, एक हिस्टोरिकल एंशिएंट प्लेस पर आए हैं। शायद थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, यू कैन गैस, आप थोड़ा सा गैस कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं आपको दिखाने लाया हूँ बावन दर्रा। बावन दर्रा यानी 252 passes, ये हमारे यहाँ नेशनल हाईवे 91 पर मुजफ्फरनगर में स्थित है। अब इसकी क्या खासियत है ये मैं आपको दिखाऊंगा, आप थोड़ी देर के लिए बने रहिएगा मेरे साथ चैनल पे। और अभी आप लोग देख रहे हैं ये ब्रिज का अपर साइड है, जो पहले की यातायात के लिए इस्तेमाल होता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बाद आई थिंक 1512 से 1526 ईस्वी के बीच में जब ये बनवाया था ब्रिज, जिसके अंदर ये 52 passes दिए गए थे, तब से ये देखो आज तक, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो, यदि मैं गलत ना हूँ तो 16वीं शताब्दी से ये पुल आज तक झुका तो बना हुआ है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये देखिए पीछे आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी लोग बाग यातायात के साधनों का उपयोग करते हैं, कतई भी ये बिल्कुल भी खंडर वाली अवस्था में नहीं है। दोस्तों अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप तो देख रहे हैं ये बावन दर्रा पुल है, ये जो दर्रे हैं जिन्हें इंग्लिश में पासिस बोलते हैं, पासिस। अब और ये जो आप बगल में स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये NH91 है, नेशनल हाईवे 91। और ये जो दर्रे हैं ये अपने आप में 52 हैं, 52 दर्रे हैं यहाँ पे। और इनकी स्टोरी ये मानी जाती है कि उस, अब तो देखो ये काली नदी बह रही है, एकदम इसका अस्तित्व ख़त्म ही हो चुका है अब तो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आप अभी यहाँ पे देख रहे हो ना, ये अपने आप में 52 दर्रे हैं। और माना जाता रहा है कि उस समय 1512 ईस्वी में जब शेरशाह सूरी पंजाब के रास्ते होते हुए दिल्ली जाता था, जब उसको ऐसा लगा कि यहाँ पे मतलब डेवलप करने की चीज़ें ज़रूरत हैं, तो तब उस समय ये पुल बनाया गया था 1512 यानी कि 16वीं शताब्दी में। और आप 2021 लग रहा है, ठीक है, पास से जाने की कोशिश करते हैं, आपको एक बार पास से दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही अभी एक दर्रा आप सामने देख रहे हो, और देखो ये स्ट्रक्चर मैं आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इस स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश कीजिए। ये उस समय चूने से बनाई गई दीवार थी, क्योंकि उस समय सीमेंट वगैरह तो नहीं था। और ये देखिए ये सब चूने से बनाया गया है। दोस्तों यदि रोहाना के पास स्थित पवन दर्रे पुल के साथ साथ काली नदी के उद्गम स्थान की बात की जाए, तो काली नदी का उद्गम स्थान झांसट तहसील के पास दौराला ब्लॉक के उत्तर डायरेक्शन में अंतेवाड़ा गांव के समीप पाया जाता है। ये अंतेवाड़ा जो गांव पड़ता है, ये झांसट तहसील के दौराला ब्लॉक के नॉर्थ साइड में पड़ता है। ये आपको इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि ये अपने आप में हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है, एंशिएंट हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है। इसको जो बनाया गया था 1512 के आसपास, इसको शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, जब उसने हुमायूं को पराजित करा था। और हुमायूं को हराने के बाद वो दिल्ली सल्तनत पे शासन किया उसने। तो ये वो सारा स्ट्रक्चर है 52 दर्रे, जो मेन बड़े बड़े दर्रे हैं, ये सारे बड़े बड़े दर्रे हैं जहाँ को पानी होके जाता था। तो ये समझिए, ये आप गैस कर सकते हो कि उस समय नदी, काली नदी कितनी चौड़ी थी। अब तो देखो नैरो हो चुकी है, पानी की इसमें क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कुछ चेंज हो चुका है अब तक लाइफ।